कहाँ जरूरत है पल्लू पर गंदा पानी डालने की? तो का गंगा जल डाल देते उस गंदगी पे, भगवान का शुक्र मना, बस पानी गंदा था, हम तो नाले का पानी डालने के फिराक में थे उस झूठी पर, ताकि फिर कभी वो पायल बेहोश होने का नाटक ना कर पाए। नहीं अम्मा, इस बार पल्लू नाटक नहीं कर रही थी, सच में कोई इतना भारी भरकम ठेला खींचेगा तो कोई भी बेहोश हो जाएगा। राम चल चल चल। अरे अरे क्या हुआ, क्या क्या? देख लिया ना, देख लिया कितना भारी ठेला खींच रही थी तुम्हारी बहन। अरे इतनी गिरी हुई है वो लड़की कि कुछ भी कर सकती है। बहुरिया तुमको बहुत सावधानी बरतनी होगी। हाँ भाई कृष्ण, क्यों किया तुमने ये सब? तुम उस खतरनाक पहलवान से लड़ने क्यों चले गए? तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर कुछ हुआ तो नहीं ना पाए। हुआ नहीं? तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हें कितनी चोट लगी? हमसे तो देखा भी नहीं जा रहा। पायल, I am fine। देखो, ठीक तो है हम। क्या हुआ है? तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। कैसे ना ले टेंशन? आखिर ये सब हमारी वजह से तो हुआ है कृष। आज तुम्हारी फैमिली को हम लालची लगते हैं और उन्हें गलत प्रूफ करने के लिए तुम ये सब करे। पर अब और नहीं कृष, अब उन्हें गलत प्रूफ करने की जिम्मेदारी ना हमारी है, तुम्हारी नहीं। पायल, हम दोनों एक है ना, तो जिम्मेदारियां भी हम दोनों की बनती है। होंगे, पर तुम्हारी फैमिली की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना तुम्हें कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है कृष। बस अब और नहीं, हमने डिसाइड कर लिया है कि अब से ना हम अपना खर्चा खुद उठाएंगे, तुम नहीं। स्टॉप इट पायल, ये क्या कह रही हो तुम? और कैसे उठाओगी तुम अपना खर्चा? हाँ, ऐसे इन नाजुक कंधों पर ठेला उठा कर? सॉरी सॉरी पायल, बहुत दर्द हो रहा है ना। सॉरी। इन कंधों को भी आदत हो जाएगी कृष, हम गरीबी में पले बड़े पर तुम्हें तुम्हें ये चोट खाने की आदत नहीं है कृष, इसलिए हमने डिसाइड कर लिया कि अब से ना हम जॉब करेंगे, तुम नहीं। हम तो जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, हम ठेला चलाएंगे, सड़क साफ करेंगे, बर्तन धोएंगे, सब कुछ करेंगे, पर तुम पर आज नहीं आने देंगे हम कृष, नहीं नहीं आने देंगे। पायल, हमारे होते हुए तुम्हें ये छोटे मोटे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना। हम जानते हैं कृष कि तुम्हें हमारी ना बहुत फिक्र है, लेकिन ये थोड़े दिनों की बात है, हम छोटे मोटे काम करके ना 4-5 लाख रुपए जमा कर लेंगे और फिर हम एक ना पार्लर खोल लेंगे। बाहर है फूटी किस्मत, दो दो पत्नी के रहते हुए हमारा बाबू खाना बना रहा। विक्रम, इस सिचुएशन पे ना मुझे एक शायरी याद आ रही है। इरशाद, इरशाद। एक बीमार को मिली दो दो अना, एक था कच्चा और एक बेकार। क्या बात है, उसी बहाने हमें भी एक शायरी करने का मन कर रहा है। इरशाद, इरशाद। यहाँ सामने खड़ा है फसाद, तुम लोग को सूझ रहा है इरशाद, इरशाद। मुंह बंद करोगे तुम लोग? क्या जी सौतन और सुहागन, कहाँ टहल्लेबाजी कर रही थी तुम दोनों? माँ जी, पल्लू तो यहीं रहती है ना कृष्णा जी के साथ, इससे पूछिए ना कि कृष्णा जी को अकेले छोड़कर कहाँ चली गई थी। हम माँ जी, पल्लू तो यहीं रहती है ना कृष्णा जी के साथ, इससे पूछिए ना कि कृष्णा जी को अकेले छोड़कर कहाँ चली गई थी। हम अब कृष, हमने तुम्हें कहा था ना कि हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे, फिर क्या जरूरत थी तुम्हें स्टोव जलाने की? वाह पल्लू वाह, का अमीरी चढ़ी है तुझ पर। एक तरफ कृष्णा जी एक एक पाई जोड़ने में लगे और दूसरी तरफ तू बाहर से खाना मंगाकर फिजूल का खर्चा कर रही है। अरे पल्लू,
अगर इनका साथ नहीं दे सकती तो कम से कम इन पर बोझ तो मत बन। अरे पर माँ जी, पत्नी तो हम है ना कृष्णा जी की, पल्लू का रिश्ता ही तो वही जाने। और ये बताइए कि परीक्षा तो पल्लू की ली जा रही है ना, तो कृष्णा जी कष्ट का है का हम उनके लिए खाना नहीं बना सकते है का? जो भी है, जितना भी है, दाल चावल आटा, हम उसमें ही कृष्णा जी के लिए खाना बना लेंगे। ये अच्छा रहेगा इंदु, हमारे बेटे की खुददारी पे आंच नहीं आएगी और इसे बना बनाया खाना भी मिल जाएगा। और का, वरना ये पायल हमरे किसना को भूखा मार देगी। बस कीजिए आप लोग, हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले मैनेज कर लेंगे। यही मैनेज करने के चक्कर में आज हाथ जला लिए ना, कल पैर जला लेना है कि नहीं? अरे मम्मी पर देख बाबू, हम तुम्हारी हर जिद मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कहेगा कि मम्मी आसमान में लाठी लेके छेद कर दो तो हम लाठी लेके उछलने लगेंगे। अरे जो चीज संभव नहीं है उसकी जिद मत कर। और हम कह दे रहे हैं, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, तुम्हारे लिए खाना बिंदिया बनाएगी तो बस। मम्मी एकदम ठीक कह रही है कृष, प्लीज जिद मत कर। और मम्मी जी की इस बात से हम भी सहमत हैं। अरे ये क्या बात हुई भला? अरे बेटा तुम परेशान मत हो, हम तुमको पीछे हटने के लिए नहीं कह रहे हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानबूझकर कष्ट सहना ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। बिल्कुल, और हमारा किसना बेवकूफ थोड़ी ना है। अरे वो तो बुद्धिमान है, और बुद्धिमानी ही कहती है कि तुम्हारे लिए खाना बिंदिया ही बनाएगी। का बहुरिया? अम्मा, कृष्णा जी के लिए कुछ भी कर पाना सौभाग्य की बात है हमरे लिए, और हमारा कर्तव्य भी है। पर हाँ, हमरी एक शर्त है, हम खाना सिर्फ और सिर्फ कृष्णा जी के लिए बनाएंगे, पल्लू के लिए नहीं। आजकल बहुत ज्यादा शर्त रखने लग गई हो ना तुम। अरे ये शर्त का व्यापार कब से करना शुरू कर दिया तुमने बिंदिया? किसना बेटा, ये व्यापार नहीं, समझदारी है बिंदिया की, और वो चाहती है पायल अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। क्रिश, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी प्लीज मान जाओ। अरे मानना तो पड़ेगा इसे, वरना हम जीत पे आ गए ना तो बिना टिकट के इसके जीत को विदेश भेज देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, रोटियां भी बन गई, अब हम जल्दी से खाना खा के दवाई भी खा लेंगे। एक्चुअली हमारा गला भी खराब है ना थोड़ा। हाँ कृष्णा जी, आपका गला तो सच में बहुत ज्यादा खराब हो गया है। हाँ। तुम ना ऐसा करो बिलिया, दो रोटियां और बना दो, फिर हमारा हो जाएगा। आप इतना खा लेंगे? अब हमारा मतलब है कि आपको इतनी ज्यादा भूख लगी है कृष्णा जी? वो हम खा लेंगे बिंदिया, खा लेंगे हम। वो क्या है ना, आजकल भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो गई है, तो थकान भी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए भूख भी ज्यादा लगती है। तुम प्लीज दो रोटियां बना दो ना। बिल्कुल कृष्णा जी, हम बना देंगे, वो भी अलट पलट चलट करके। ये पिंडी भी ना एक नंबर की चालबाज है, एक तो हमारी सारी गेम पलटी और ऊपर से कृष के जले हुए हाथों का फायदा उठाकर उसके स्पेशल कुक बन गए। हम क्या करें? आइडिया, वो हमें खाना तो नहीं देगी, पर हमें वहां बैठने से थोड़ी रोक सकती है। वाह, इतना सारा खाना बिंदिया, तुमने इतना जल्दी इतना सारा खाना कैसे बना लिया? अलर्ट पलट चलट करके। ग्रेट,
कृष्णा जी अब जल्दी से खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ।